हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केस ड्राइंग पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको बताया, आपके पेपर बहुत जल्दी आने वाले हैं, इसलिए जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं इस बार डाल रहा हूँ, आप उन्हें देख लीजिएगा। जैसे आपकी एक सब्जेक्ट है रेलवे, तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, मैं उन्हें इस बार बता रहा हूँ, आप इन्हें सही से देखना। तो आइए इसे शुरू करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द टाइप ऑफ रेलवे सेक्शन इन ब्रीफ, यानी कि रेल परिच्छेद के प्रकार का संक्षेप में उत्तर दीजिए। रेल का जो क्रॉस सेक्शन वगैरह आते हैं परिच्छेद, उसे आपको इसमें बताना है उसके बारे में। ऐसे सेकेंड पॉइंट है आपका, पहिए का शाकवीकरण क्या होता है, यह रेल पहिए में क्यों दिया जाता है, इसके ऊपर आपको पूरा लिखना है। ऐसे थर्ड है आपका, बुल हेड बाय फ्लैट फुट हेड, रेलवे पटरियों की तुलना कीजिए। फोर पॉइंट आपका आता है, फिश प्लेट क्या होती है, फिश प्लेटों की आवश्यकता व कार्यों को समझाइए। ये जो फोर नंबर पॉइंट है, ये तो हमेशा पूछा जाता है, इसे आप सही से करना। ऐसे आपका फिफ्थ पॉइंट है, डॉग वोल्ट बाय डॉग स्पाइक की तुलना कीजिए। ये आपके जो पटरी होती है उसे में अटैच किए जाते हैं, जिससे पटरी इधर उधर न जाए, तो आप इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका सिक्स नंबर, संक्रमण वक्र क्या होते हैं, रेलवे मार्ग पर संक्रमण वक्र देने से क्या लाभ होते हैं, संक्रमण वक्र कितनी तरह के होते हैं, इनके बारे में आपको पूरा लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सेवन, टर्न आउट क्या होते हैं, सभी प्रकार के टर्न आउट को समझाइए। ऐसी प्रश्न नंबर एट है, भारत में कौन कौन सा रेल गेज प्रचलन में है, विस्तार से समझाइए। वैसे तो आपकी बुक में तीन ही दिए हुए हैं, पर ये टोटल पाँच होते हैं। पहला होता है ब्रॉड गेज, दूसरा आपका होता है लाइट गेज, नैरो गेज, थर्ड फोर्थ होता है आपका लाइट गेज, एंड लास्ट होता है आपका स्टैंडर्ड गेज। तो इन्हें आप देख लीजिएगा और इसके ऊपर पूरी डिटेल में डाल दूंगा, उसे देख लेना एक बार। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, प्रश्न नंबर नाइन पे। प्रश्न नंबर नाइन है, स्थायी मार्ग को विस्तार से समझाइए। स्थायी मार्ग वो वाला होता है जैसे आपके रेल के जो हम पटरियाँ बिछाते हैं, उसका पूरा क्रॉस सेक्शन वगैरह, उसके बारे में पूरा आपको बताना है। प्रश्न नंबर 10 है आपका, यूनिफॉर्म गेज के लाभ बताइए। यूनिफॉर्म जो गेज होते हैं उनके क्या क्या हमारे लाभ होते हैं। ऐसे ही हमारा 11 नंबर है, इन पे हमें टिप्पणी, मतलब इनके बारे में हमें पूरा पूरा लिखना है। फर्स्ट है इसमें ब्लास्ट का माप व अनुप्रस्थ काट क्या होते हैं, सेकेंड है ब्लास्ट की मात्रा क्या होती है मात्रा, थर्ड होता है आपका ब्लास्ट का नवीनीकरण हम कैसे कर सकते हैं। ऐसे मैं आगे की बात करूं तो प्रश्न नंबर 12 है, स्लीपर घनत्व का पर संक्षेप में टिप्पणी लिख दी। ऐसे आपका थर्ड है वो 13वां प्रश्न है, ढाल और बास्तौन में अंतर, ये दोनों आप सही से क्लियर कर लेना, ये दोनों ही पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, विभिन्न प्रकार के रेल स्लीपर कौन कौन से होते हैं, पूर्व में प्रबलित कंक्रीट स्लीपर को समझाइए। ये आपके रेल स्लीपर जो पहले शुरू से अगर हम देखें तो पहले लकड़ी के चला करते थे, फिर लोहे के हो गए, उसके बाद फिर कंक्रीट के हो गए, फिर आरसीसी कंक्रीट के आ गए, फिर अब और भी बढ़िया क्वालिटी के आने लगे हैं, तो इनके बारे में आपको लिखना है। ऐसे आपका 15 नंबर है, रेल विसर्जन यानी क्रीप क्या होती है, संक्षेप में इनको समझाना है। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, इनको एक बार आप अपने हिसाब से सही से बार बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आपके पेपर बताए जा रहे हैं 27 से आने वाले हैं, पर अभी 27 से अभी डेट क्लियर नहीं हुई है, तो आप अपने हिसाब से इनके बारे में देख लेना।